स्वागत है आपका एक और फैंटास्टिक क्लास में। यह है सिंपल इंटरेस्ट का चौथा क्लास। इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए। उसमें एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से सिंपल इंटरेस्ट को बताया गया है। अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन है उसमें, उनको देखिए, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगा। चलिए लेते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 4500 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में 5040 रुपये हो जाती है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है, समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है। कहता है कोई धनराशि है, मान लो पी, हमको धनराशि नहीं दिया है कि कितना है, तो हम पी मान लिए। कहता है वो धनराशि क्या होता है ना, किसी निश्चित दर पर, दर भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं दर 8% है, 3 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है। कोई धनराशि था किसी निश्चित दर पे, 3 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है। फिर कह रहा है कि वही धनराशि जब क्या करें हम, कि दर प्रतिशत को 5% बढ़ा दें। पहले 8% था, अब क्या करें 5% अधिक कर दिए। सवाल वाला कहा कि यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष अधिक हो तो ब्याज की दर क्या किए, 5% बढ़ा दिए, पहले में से 5 जोड़ दिए तो बढ़ गया। कहता है वही 3 वर्ष में वही धन 4500 नहीं होने के बजाय कितना हो जाता है, 5040 रुपये हो जाता है। जब दर 8% था तो ये धन 3 साल में 4500 हुआ, अब दर में 5% का वृद्धि हुआ, दर को 5% बढ़ाया गया, तो अब वही धन 3 साल में 5040 हो गया। तब हमसे पूछता है कि मूलधन क्या होगा, पी ज्ञात करो। आपको पता है मूलधन अपने आप में 100% होता है, और हमसे ये दर प्रतिशत भी पूछ रहा है कि बताओ कितना दर है, ये भी निकालो, बहुत ही आसान है। अब देखो ये कि जब दर 8% था तो ये धन 4500 हो गया, अब जब दर में 5% का वृद्धि किया गया, 5% बढ़ाया गया, तो अब वही धन कितना हो गया, 5040 हो गया। देखते हैं पहले से बढ़ गया है, इधर 5% बढ़ा, इधर कितना बढ़ा देखो आप, पहले 4500 था अब 5040 हो गया, कितना वृद्धि हो गया, 540 वृद्धि हो गया। अब देखो ये जो 5% वृद्धि हुआ है वो तो सालाना ना वृद्धि हुआ है, कि 5% प्रतिवर्ष का वृद्धि, मतलब 1 साल में 5% बढ़ाओ, तो ये धन कितने साल तक चला है, 3 साल तक चला है, तो 1 साल में 5% वृद्धि, तो 3 साल में 5 से 15% वृद्धि, इधर 15% वृद्धि, उधर 540 का वृद्धि। कहने का मतलब 15% का मतलब हुआ 540 रुपया में 540 बढ़ा, और प्रतिशत में 15% बढ़ा, 1 साल में 5% बढ़ा तो 3 साल में 15%। कहा ना कि 3 वर्ष में इतना हुआ है, 3 वर्ष में इतना हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है मूलधन, 100% का मान, 15% पता है तो 100% निकाल लो, 540 बटे 15 × 100, 5 × 15 से डायरेक्ट कर रहा है, 15 × 3 = 45 और 9 × 15 = 90, 36 × 100 = 3600, ये मूलधन निकल गया। चलिए ये मूलधन कितना हो गया, 3600, वही मूलधन है, दोनों जगह सेम है, बस कंडीशन अलग है कि यहाँ जितना दर था यहाँ क्या है, उसमें 5% अधिक किया हुआ है दर, बाकी दोनों धन समान है। अब हमसे पूछ रहे दर निकालो। दर निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, दर निकालने करते हैं 1 साल का ब्याज बट मूलधन गुना 100। मूलधन तो पता चल गया 3600, लेकिन 1 साल का ब्याज पता नहीं है, तो पता कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 3600 रुपये 3 साल में 4500 हो गया, तो मतलब 3600 में कितना ब्याज बना होगा 3 साल में, 3600 में 900 का ब्याज बना होगा, तब तो ये 4500 हो गया, तो 3 साल में कितना ब्याज आया, 900। आप लॉजिक लगाओ कि 3 साल में 900 ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज, 300, तब ना 3 × 6 × 3 = 9, तो 3 साल में 900 ब्याज। ये सब लिखने का बात नहीं है, ये सब सब मन में ही करना है, हम लिख देते हैं आपको समझ में आए।
यहाँ बहुत तरह के बच्चे हैं, तो 3 साल में 900 का ब्याज, तो 1 साल में 300 का ब्याज, तो देखिए 1 साल का ब्याज निकल गया तो दर भी अब आराम से निकल जाएगा। तो दर बराबर हम लिखेंगे क्या, 1 साल का ब्याज मतलब 300 बटा मूलधन 3600 गुना 100, 0 0 खत्म, 6 6 का 36, 6 5 30, 3 2 6 2 3 6 2 25 12 में ये कटेगा, 25/3 आया, 25/3% मतलब 8.1/3%, यही आपका आंसर, दर प्रतिशत भी निकल गया, है ना बहुत आसान। देखते हैं आज के क्लास का दूसरा सवाल, साधारण ब्याज की 5% दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में ब्याज के रूप में 1750 रुपये अर्जित करती है, यदि ब्याज की दर 2% प्रतिवर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में ब्याज के रूप में कितनी और धनराशि अर्जित करेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, हमको सवाल वाला कह रहा है कि कोई धनराशि है, ब्याज दर है 5%, 1 साल में 5% ब्याज लगता है, और कह रहा है समय 7 वर्ष है, 5% दर है, 7 साल में उस धनराशि से हमको ना 1750 रुपये ब्याज मिलता है, रुपया में हमको दे दिया है ब्याज। आप बताओ 1 साल में लगता है 5% ब्याज, तो 7 साल में कितना प्रतिशत लगेगा, 5 7 35%, तो प्रतिशत में 35% ब्याज और रुपये में 1750, मतलब 35% का मान 1750 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है सवाल वाला, यदि ब्याज की दर 2% प्रतिवर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में ब्याज के रूप में कितनी और धनराशि अर्जित करेगी। कह रहा है कि वो धनराशि वही वाला जो यहाँ है, अगर हम क्या करें कि ब्याज का दर में 2% वृद्धि कर दें, पहले दर था 5%, अब 2% अधिक करने कह रहा है, तो मतलब 7% करो, और कह रहा है उतने ही समय में, पहले 7 साल लगता था तो अब भी 7 वर्ष में ही। तो सवाल वाला कहा यदि ब्याज दर को 2% अधिक किया जाए, पहले 5% था, 2% अधिक मतलब 7%, और कह रहा उतने ही समय में, पहले 7 साल था अभी 7 साल में, तब वह धनराशि कितना अधिक हमको ब्याज देगा, ये हमसे पूछ रहा है। लेकिन धनराशि पता तो होना चाहिए, कि जो धनराशि ब्याज दे रहा है वह धनराशि हमको पते नहीं है, तो सबसे पहले उसी को पता कर लेते हैं। चलिए बहुत ही आसान है, हमको हम आपको बताए थे कि धनराशि जो होता है मतलब मूलधन अपने आप में 100% होता है, हमको 35% का मान 1750 दिया हुआ है, तो 100% का मान हम आराम से निकाल लेंगे, 1750/35 × 100, 7 5 35, 7 2 14, 7 5 35, 0 5 6 25, आ गया हमको धनराशि कितना, 5000 रुपये, यही है मेरा मूलधन, तो मूलधन हमको फाइनली मिल गया कितना, 5000, ये भी वही धनराशि, ये भी 5000 है। अब क्या कह रहा है कि ब्याज निकालो, कि 5000 पे कितना ब्याज होता है वो दिखाओ, फिर पता करो कि पहले से कितना ज़्यादा ब्याज दे रहा है, तो 1 साल में दे रहा है 5% ब्याज, तो 7 साल में कितना देगा, सॉरी 1 साल में यहाँ 7% ब्याज दे रहा है, तो 7 साल में कितना देगा, 7 7 49% ब्याज देगा, किस पे ब्याज, मूलधन पे ही ना, तो मूलधन पे निकाल लेते हैं 5000 पे 49% ब्याज, 49/100, 0 0 कैंसिल, 0 5 9 45, 5 6 20 4 24, ये धनराशि 7% दर से 7 साल में 2450 रुपये ब्याज दे रही है। लेकिन ये 2450 आंसर नहीं है, हमसे ये नहीं पूछा कि कितना ब्याज देगा, हमसे ये पूछा कि ब्याज के रूप में कितनी और धनराशि अर्जित करेगी, पहले कितना अर्जित करता था जब दर 5% था, 1750 रुपये अर्जित करता था, अब जब दर 2% बढ़ाया गया मतलब 7% किया गया, तो अब कितना ब्याज दे रहा है, 2450, कितना का वृद्धि हुआ पहले से, 700 रुपये का वृद्धि हुआ, वही हमसे पूछ रहा है कि ब्याज के रूप में कितनी और धनराशि अर्जित करेगी, ब्याज के रूप में 700 रुपये और अधिक अर्जित करेगी, तो आंसर 700 होगा, समझे। तो चलिए मिलते हैं आगे के क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ, आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में।